तो ये सामने जो स्टोर है आदिम, ये है इंडियन ग्रोसरी स्टोर। भैया ये इंडिया का है क्या? है ये कौन सा? यूजुअली जो पिलर में ये नंबर होता है आपको शायद दिखेगा यहाँ पे, ये पिलर में यहाँ पे C04 लिखा हुआ है। ऐसे वाले नंबर का हम यूजुअली नोट कर लेते हैं माइंड में कि ठीक है यहाँ पे पार्किंग। मॉर्निंग एवरी वन, होप आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग टुडे। और ये सारे फिश, एक्चुअली मैं दो तरह के फिश कल ऑलरेडी लेके आ गई थी, प्रॉन्स और एक सी फिश, उसका मैं फ्राई करूँगी क्योंकि ना कल एक्चुअली मतलब वेदर फोरकास्ट कुछ दिनों से ही हो गया था कि आज बहुत बारिश होने वाली है, मतलब सुबह से ही बारिश स्टार्ट होने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत चीज़ें मैं लेके आ जाती हूँ ताकि आज के लंच के लिए वही कुक करूँगी। वैसे भी बारिश में घर में बैठ के खाना खाने का मज़ा अच्छा होता है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ना। सेम जगह पे हमारे घर के सामने बन गई है सी बीच, और ये ब्लैक कलर की कार, मैं जूम करती हूँ, जो आप देख रहे हो वो है फैंटम। तो ये सुदीप है, बाहर गया हुआ था थोड़ी देर के लिए और इस रोड पे स्टक हो गया है। तो यहाँ सामने जाके वो बिल्डिंग में नहीं घुस पाएगा, सो ही इज ट्राइंग टू टेक अ रिवर्स फ्रॉम हियर। तो दूसरी तरह से घूम के आएगा वो, मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा ही वाटर लॉगिंग हो गई है वहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम सारे सेडान तो वापस आ ही रहे थे और हमारी तो एसयूवी है, सुदीप ने भी रिस्क नहीं लिया। और अभी मैं देख रही थी कि कुछ ट्रक्स भी मतलब क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जाने की कोई भी रिस्क नहीं ले रहा है उस वाटर से। तो घर में प्रॉन्स बने और बूजी को ना मिले वो कैसे हो सकता है। तो सो रही थी, उसे जैसे ही एयर फ्रायर की आवाज़ आई आ गई है यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने फ्रिज से प्रॉन्स को निकाला डीफ्रॉस्ट के लिए रखने के लिए, उसे पता नहीं किस तरह से स्मेल मिल जाती है, आके यहाँ पे दो तीन बार घूम के गई। और अभी जब एयर फ्रायर की आवाज़ सुनी तो मतलब उससे रहा नहीं गया, कहीं पर जाके सो रही थी, इमीडिएटली आ गई है, उसको इतना मालूम है कि उसी का अभी खाना बन रहा है। तो मैंने प्रॉन्स को हल्दी, नमक और चिली पाउडर से थोड़ा सा मैरिनेट कर दिया है, अभी इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। साथ में यहाँ पे ना ये मस्टर्ड पेस्ट भी बना के रखा है, ये रेडीमेड मस्टर्ड पेस्ट मैं यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा पानी और इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल के इसको बना के रखा है। ये दोनों ही यूज़ करके ये पूरी रेसिपी आज बनेगी। Dreams will make
day to be every single tree in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it too. ये जो मस्टर्ड पेस्ट मैंने बनाई थी उसको मैंने इसमें डाल दी है. थोड़ी देर इसको कुक करके फिर मैं इसमें प्रॉन्स ऐड करूँगी. ये प्रॉन्स मैंने फ्राई करके अलग से निकाल ली है. तो रेनी सीजन में जैसी बारिश होती है ना वैसी ही धीरे धीरे बारिश हो रही है, लेकिन कंटिन्यूसली हो रही है. और ये वाली प्लांट मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर रख दी. मैंने सोचा थोड़ा सा इसको भी रेन वाटर एंजॉय करने देती हूँ. तो लंच यहाँ पे रेडी है. तो ये है शोरशे चिंगड़ी जो मैंने अभी बनाई, प्रॉन्स इन मस्टर्ड सॉस. और ये है फिश फ्राई. तो मैंने सोचा ये वाली फ़िश भी मैरिनेट की हुई थी, सुदीप ने की थी, तो कुछ फ्राई कर दी है. और सैलड, और इसके साथ है आज राइस. तो मन तो था कि बाहर जाऊं, नीचे जाने का मन था, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि अगर बहुत पानी हुआ रोड में तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा. तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टेरेस पे जाती हूँ, फिर वहाँ से आप लोगों को भी दिखाती हूँ, और मुझे भी देखना है बाहर का पूरे रोड का क्या नज़ारा है. You came to me like a bird to the breeze, and we floated together for a while. But you had to go, now I can't. मैं थोड़ा zoom करके दिखाती हूँ. तो ये हाईवे है और यहाँ पे इतनी पानी जम गई है, उसके लिए इतनी ट्रैफिक भी हो गई है. और ये जो नीचे दिख रहा है पानी पूरा, ये हमारी विंडो से दिखती है. लेकिन इस वाले रोड की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है. और सिर्फ इसी पोर्शन में है पानी, इस तरफ इज़ अगेन नॉर्मल. रेनबो, वाओ रेनबो निकलेगी, क्योंकि सन और रेन एक साथ हो रहा था. लुक एट दिस रेनबो, सो ब्यूटीफुल. बहुत एक्साइटेड हो गई रेनबो देख के. तो सोच रही हूँ अभी बालकनी से हमारे दिख रहा है कि नहीं, एक बार तो सुदीप भी देख सकता है. फिर ये बालकनी से देख जाओ, रेनबो तो देख ही छुप रही है. की हवा तो जावे ना बाहर, और अभी इतनी ज़ोरों की हवा चलने लगी है, रेन स्टॉप हो गई है और इस तरह से हवा चल रही है. थोड़ा बहुत सामान लेना था हमें, तो इसीलिए हम अभी आ गए हैं सिलिकॉन सेंट्रल मॉल में. थोड़ा सा वेदर क्लियर हुआ तो सोचा कि जाके घूम के ही आते हैं. थोड़ा ऐसे इस वेदर में बाहर जाना भी हो गया. Oh, I'm going to be the best.
treehouse told the dreams were made to be believed in. So I put every single dream in you. But you said the bar so high. बूजी के लिए भी मुझे कुछ पिकअप करना है। जब घर जाती हूँ तो पहले ही खारी रहती है। क्या लेके आई हो करके? शिबा? चिकन खूब एक भालो बात है ना? कल इटा नहीं है ना? ओशन फिश टाइम ना? हाँ, उटा खेच अच्छे दिन उटा। ना वो उटा हेल्प्स इन गेनिंग वेट। बफलो ही? सो लेट्स टेक द काउ वाला। बेटर ना? हम शॉपिंग करके निकले और पार्किंग में हमने जब पार्किंग की तो यूजुअली यूएई में मैक्सिमम सब लोग जो पार्किंग करते हैं ना, यूजुअली जो पिलर में ये नंबर होता है आपको शायद दिखेगा यहाँ पे, ये पिलर में यहाँ पे C04 लिखा हुआ है, ऐसे वाले नंबर का हम यूजुअली नोट कर लेते हैं माइंड में कि ठीक है यहाँ पे पार्किंग की है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्किंग होती है। तो जाते वक्त मॉल के अंदर हमने मतलब ध्यान नहीं दिया था कहाँ पे पार्किंग की है, क्योंकि दोनों ही बातें करते करते जा रहे थे। तो जब निकले तो वी वर नॉट श्योर कि कहाँ पे पार्किंग की। तो मैंने क्या किया, मॉल में घुसते वक्त मैंने वीडियो ली थी, वो वाली वीडियो मैंने जाके देखी क्योंकि वीडियो में वो पार्किंग के पिलर का नंबर दिख रहा था। फिर देन वी रियलाइज मतलब फिर मैंने सुदीप को बोला कि यहाँ पे हमने पार्किंग की है, तो उसने कैसे पता चला? मैंने वीडियो देखी जो घुसने से पहले मैंने रिकॉर्ड की थी, तो फाइनली हमें मिल गई मैं हमारी फैंटम। तो यहाँ से निकल के हम आज एक इंडियन स्टोर में जा रहे हैं, मुझे ना कुछ चाट बनाने का सामान लेना है, तो वहाँ पे लूलू में भी मिल जाता लेकिन आई गेस वहाँ पे कुछ अच्छी वाली मिलेगी। तो चलो, तो यहाँ पे वीगनर वाला भी है जो कि इंडियन सेवरी है। और ये वाले रेस्टोरेंट के सामने लुक इट द क्राउड डिलीवरी के लिए। फ्री होम डिलीवरी कर दिए छे इफ्तार। और ये सामने जो स्टोर है अल आदिल, नॉट अल आदिल, इट्स ओनली आदिल एक्चुअली, आदिल ना, आदिल। तो ये सामने जो स्टोर है आदिल, ये है इंडियन ग्रोसरी स्टोर, सारे चीज मिल जाएंगे इंडिया के आपको यहाँ पे। হ্যাঁ চেষ্টা করিনি, ট্রাই করা যেতে পারে। এটাই তো আর কোনো পাপড়, লিচুর পাপড় মশলা নেই না? यहाँ पे सारे पूजा के सामान मिल जाएंगे, धूप बाती दिया चंदन डिफरेंट काइंड के ऑयल पूजा के लिए कर्पूर सब कुछ है यहाँ पे। पानी पूरी मसाला ना, जल जीरा ना, पानी पूरी। ये MDH मसाले का जो ब्रांड है ना वो लूलू में भी नहीं मिलती है, तो ये इंडियन स्टोर है इसीलिए है, और ये हमेशा मैं इंडिया से लेके आती हूँ। मेरा कत ग्राम है भैया? ये इंडिया का है क्या? है ये कौन सा? हाँ 40 बोल चाहे। तो बीकानेर वाला से हमने समोसा भी लिया और जलेबी। And we floated together for a while.
बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं खत्म करती हूँ. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. तुम्हारा समय खूब खूब भालो देखो. और आज के व्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. So I put every single dream in you.